नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SGR एजुकेशन में। और आज बात करने वाले एक बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में जो कि बहुत दिन से पेंडिंग थी। पांच ऐसी वर्क फ्रॉम होम जॉब्स जो कि स्टूडेंट्स की मदद कर सकती है और आप साथ साथ उनको करते हुए प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको एक पूरी प्रोसेस बताऊंगा क्योंकि मेरे हिसाब से जॉब एक इवेंट नहीं है, एक प्रोसेस है जिसमें आपको लगना पड़ेगा, जिसमें आपको किस तरीके से सर्च करना है, किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना है, कौन से ऐसे ऐप्स होते हैं जिनसे आप रिज्यूमे बना सकते हैं, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं, कहाँ पर आपको ये सब जॉब्स चेक करनी होती है। ये सभी की सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम SGR एजुकेशन ज्वाइन कर लीजिए, फ्री चैनल है। और साथ ही साथ जो है, अगर आप प्लस कोर्सेज लेते हैं अनअकैडमी पे जो कि पेड कोर्सेज होते हैं, तो वहां पर अभी हम कॉमर्स कर रहे हैं और NTA UGC नेट का पेपर 1 कर रहे हैं। सेपरेट यूनिट वाइज कोर्सेज आ रहे हैं। अगर आप पेड कोर्स लेते हैं तो उसमें ये कोड लगाइएगा नवीन साथ लाइव, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके साथ बात कर लेता हूँ पांच ऐसी वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के लिए जो कि ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप एज ए ऑनलाइन ट्यूटर काम कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये जॉब प्रोफाइलिंग नाम के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको अभी प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप पर्टिकुलर जॉब में एक्सेल कर सकते हैं। देखिए, ऑफलाइन ट्यूटरिंग का तो एक ऑप्शन आता ही है आपके पास कि भाई आप खुद को, अगर सपोज करिए कि कोई जैसे अर्बन क्लैप है, जस्ट चाइल है, ऐसी जगह पर आप खुद को रजिस्टर करा लें, एक नॉर्मल फीस अमाउंट देना पड़ेगा और उससे आपके पास क्वेरीज आने लगेंगी। और भी बहुत सारे जो है ट्यूटरिंग के प्लेटफॉर्म हैं, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे, जो कि गुरु KPU है, इस तरीके के बहुत सारे पोर्टल्स हैं। ऑनलाइन ट्यूटरिंग में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि आजकल ऑनलाइन जो है वो क्लासेस आपको जो है दिलवाते हैं और आप पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की क्लासेस ले सकते हैं। उसके अलावा कंटेंट राइटिंग एक ऐसी जॉब है जो कि आप कर सकते हैं। अब इसके लिए दो ऑप्शन है, अगर आप अपना खुद का कंटेंट भी जो है वो सेल करना चाहते हैं तो इंस्टामोजो जैसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अपनी PDFs को जो है वो सेल कर सकते हैं एक मिनिमम अमाउंट में, जिससे कि आप लोगों की मदद भी कर सकते हैं और एक अर्निंग भी जो है उसका सोर्स जनरेट कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग में जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, अगर आप NTA की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास नोट्स होने चाहिए हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, उसको आप इंस्टामोजो पे लिस्ट कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइलिंग करके आप शेयर कर सकते हैं ग्रुप्स के अंदर। एग्जाम इन्विगेटर एक ऐसी जॉब है। देखिए, एग्जाम इन्विगेटर की जॉब आप देखेंगे कि कई सारे आजकल इंस्टीट्यूशन है, जैसे NIT का जो है इंस्टीट्यूशन है, तो वो बच्चों को क्या करता है, जो भी यहाँ के लोग होते हैं उनको एग्जाम इन्विगेटर की जॉब देते हैं क्योंकि वो लोग बाहर की यूनिवर्सिटीज के पेपर कंडक्ट करवाते हैं। तो उसके लिए बहुत फायदेमंद है कि आप जो है नाइट जॉब्स भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, कई शिफ्ट्स में इसकी जॉब होती है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगी एग्जाम एडवाइजर की जॉब, जिसके अंदर आप जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं और आपको जो है ऑनलाइन मॉनिटरिंग करनी होती है जो बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है आपके सामने। और NITs में लगभग शायद भारत की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि जॉब्स देती है, अगर आप चेक करेंगे तो आपको इजीली ये जॉब्स मिल जाएंगी। उसके अलावा आप इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। इंटर्नशिप्स के लिए आपकी लेट्स इंटर्न है, इंटर्नशाला है, इस तरीके की जो है वो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और जितनी भी आप लिस्टअप करेंगे आपको जो है मिल जाएंगी, जहाँ पर आप सर्टिफिकेट्स गैदर कर सकते हैं। कुछ आपकी जो है नॉन पेड इंटर्नशिप भी होती है जो कि ऑब्वियसली आपके में आपकी CV को जो है वो बिल्ड करने के लिए होगी, इसमें प्रोफाइलिंग ऐड करने के लिए होगी। तो गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी लेट्स इंटर्न पे या इंटर्नशाला पे जो है वो वेबसाइट्स पे आती है, जहाँ पर आप जो है फ्री इंटर्नशिप करके, NGOs की इंटर्नशिप करके भी अपने रिज्यूमे में अपने CV को बिल्ड कर सकते हैं। और साथ ही साथ पेड इंटर्नशिप्स भी आती हैं जहाँ पर आप इजीली सॉफ्ट स्किल का इस्तेमाल करते हुए भी एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो कमा सकते हैं। आपको रजिस्टर करना होगा। सोशल मीडिया रिलेटेड वर्क, अगर आपको एडिटिंग बहुत अच्छी आती है, अगर आप थंबनेल मेकिंग कर सकते हैं, अगर आप जो है वीडियोस की पोस्टिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया नेटवर्क SEO अगर आपने थोड़ा बहुत सीखा हुआ है, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं एक ओवरऑल जॉब पाने के लिए। मैं कुछ चीज़ें आपको ज़रूर बताऊंगा, मैं सिर्फ जॉब के नाम बता के वीडियो को ख़त्म नहीं करूंगा। ऑब्वियसली मुझे आपको एक प्रोसेस बताना है जिससे कि सच में आपकी हेल्प हो। सबसे पहले तो आप एक अच्छा CV बिल्ड करिए, जो कि आपकी जॉब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके लिए ये तीन फ्री ऐप्स हैं जो कि रिज्यूमे बिल्डिंग की ऐप्स हैं, जिसमें आपको सिर्फ डिटेल्स अपनी भरनी होती है जैसे जैसे वो मांगेगा, और एक इफेक्टिव CV जो है वो आपका तैयार कर देगा अपने आप फॉर्मेट में। तो एरिस्टॉस को डाउनलोड कर सकते हैं, CV इंजीनियर को डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री रिज्यूमे बिल्डर, ये सब आपको प्ले स्टोर एंड्रॉयड पर मिल जाएंगे और इवन iOS पर भी मिल जाएंगे। तो आप सबसे पहले तो इनको डाउनलोड करिए, फिर उसके बाद जो है अपने CV को बिल्ड करिए, जो जो आपने किया है उसमें लिखिए, और फिर CV में जो कमियां लगती है उस हिसाब से इंटर्नशिप ज्वाइन करिए, उस हिसाब से जो है वो रजिस्टर। हम बात करते हैं पांच ऐसे बेस्ट पोर्टल्स के बारे में जहां पर आपको रजिस्टर करना चाहिए, जो कि आपकी जॉब दिलाने में बहुत मदद कर सकते हैं। पहली है LinkedIn। ये बेसिकली आपकी बिजनेस सर्कल में एक तरीके की फेसबुक है आपके लिए। आपको LinkedIn में
जो है अकाउंट बनाना ही होगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर एक इंसान का, एक पर्टिकुलर अकाउंट जो है लिंक्डइन पे ज़रूर होना चाहिए। आप जाइए इस पे अकाउंट बनाइए, क्योंकि जितनी भी कंपनीज आती हैं वो ऑनलाइन अगर कहीं आपको चेक करेगी तो आपके लिंक्डइन को चेक करेगी, वहाँ अपना CV डालिए, अपने क्रेडेंशियल्स डालिए। दूसरा, Naukri.com पे आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, जहाँ पर आपको जॉब्स मिलेंगी, और जैसे कि मोस्ट जॉब्स हैं यहाँ पर भी आप जो है रजिस्टर करके जॉब्स का जो है वो एक इफेक्टिव टाइमलाइन अपने पास रख सकते हैं। सरकारी Naukri.com है जो मैंने यहाँ लिस्ट नहीं किया, उसमें कर सकते हैं। टाइम जॉब्स हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कि india.gov.in है, ये भारत का नेशनल पोर्टल है, जो कि इनफैक्ट अभी शुरू किया गया है, और शुरू किया गया है इन द सेंस कि भाई इसे काफ़ी एक्टिव जो है वो अभी रखा गया है, सो दैट कि जॉब्स में जो है लोगों की मदद की जा सके, क्योंकि जॉब्स का एक संकट COVID-19 के बाद ऑब्वियसली लोगों के ऊपर है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें इन सब पोर्टल्स को रोज़ देखना होगा। अब मैं जो बात कर रहा था ना प्रोसेस की, उसके बारे में बात करता हूँ, क्योंकि देखिए जॉब है ना एक पर्टिकुलर इवेंट नहीं है कि भाई एक बार हो गई, आपने सर्च किया, आपको मिल गई। इसके लिए थोड़ा बहुत मेहनत करनी होगी और आपको रोज़ सर्चेस करनी होगी, जैसे हम अपना फेसबुक और अपना इंस्टाग्राम रोज़ संभालते हैं, वैसे ही आपको ये पोर्टल रोज़ संभालने हैं। रोज़ आपको सुबह लिंक्डइन की प्रोफाइल देखनी है, Naukri.com को देखना है कि कौन सी कोई जॉब आई है, या मॉन्स्टर पे कोई, टाइम जॉब्स पे कोई, india.gov.in पे। इस तरीके से अभी रिसेंटली ना कुछ पोर्टल्स जो है वो आपके बने हैं, मैं आपको कुछ बता देता हूँ, मैं लिंक डाल दूंगा पहले कमेंट में, उसमें बहुत सारे हैं। जैसे कि रोजगार बाजार नाम से दिल्ली की इकोनॉमी को उठाने के लिए दिल्ली की गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयज़ के लिए, जिसमें वो जॉब्स देते हैं, और 7 लाख लोगों ने ऑलरेडी इसमें रजिस्टर कर दिया है, और इनकी वेबसाइट का लिंक भी आपको उस आर्टिकल में मिल जाएगा जो मैं कमेंट बॉक्स के अंदर डालूंगा। तो आप दिल्ली से हैं तो इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। 4500 एम्प्लॉयज़ यहाँ आते हैं, और जो है 7 लाख लोग इन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है रोजगार बाजार में। तो यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जो वैकेंसीज़ हैं वो सेल्स मार्केटिंग से लेके स्पा वेलनेस हाउसकीपिंग पियॉन कस्टमर सपोर्ट टेलीकॉलर एंड अकाउंटेंट, हर चीज़ के लिए यहाँ पर जॉब्स हैं। इसी तरीके से राज कौशल योजना है, जहाँ पर एक पोर्टल लॉन्च किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने के लिए रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट्स को, और साथ ही साथ जो है वो एम्प्लॉयर्स को रजिस्टर करें वो, और हायर वर्कर्स को हायर कर पाएँ। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एक क्रिएट कर सकते हैं डिजिटल आइडेंटिटी, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा फर्स्ट कमेंट के अंदर। पंजाब घर घर रोजगार जो योजना है, इसमें पंजाब गवर्नमेंट ने भी इसी तरीके की जो है एक रोजगार स्कीम निकाली है और एक जॉब पोर्टल। अब देखिए ना, अगर जानकारी ना हो तो कितने कम लोगों को पता लगता है कि ऐसी जॉब्स भी अवेलेबल हैं, और आप ऐसे पोर्टल्स भी हर स्टेट में अवेलेबल हैं। यही बेसिकली मेरा मकसद था इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का, कि अवेयर किया जाए कि आपको अपना CV, अपना रिज्यूमे बिल्ड करना है। सबसे पहले आप इन ऐप्स की मदद ले सकते हैं अगर आपको खुद नहीं आता है। दूसरा, आपको इन पर्टिकुलर जॉब पोर्टल्स पे रजिस्टर करना है, रोज़ इनको देखना है। ये मैंने जो अभी आपको रोज़गार बाजार ये सब चीज़ें बताई, यहाँ पर भी आप COVID-19 के बाद भी कई सारे जो है पोर्टल्स ऐसे बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, इन पर नज़र रखनी है, और कोई पर्टिकुलर आपके सूटेबल जॉब आती है जिसको आप कर सकते हैं तो उसको जो है वो ज़रूर अप्लाई करिए। अगर आप कम से कम 10 जॉब्स भी अप्लाई करेंगे तो एक अच्छा चांस आपका बन जाएगा। और इसी चीज़ से अवेयर कराने के लिए आप जो है एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्यूटर के रूप में काम कर सकते हैं, कुछ नहीं देना होता, सिर्फ आपको जाके इंस्टीट्यूट में डेमो दे के आने, अगर आप बच्चों को पसंद आ गए तो, और कुछ नहीं चाहिए वहाँ पर, कोई आपकी प्रोफाइलिंग पुराने नंबर कुछ नहीं देखता, आप वेरियस इंस्टीट्यूट्स में काम कर सकते हैं जब तक कि आपकी मेन स्ट्रीम जॉब नहीं आती। आप कंटेंट राइटिंग में खुद का कंटेंट लिखना तैयार करिए, अगर आप किसी भी टीचर को आगे जाके बोलेंगे कि आई हैव अ फुल कंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर, तो हर कोई इंटरेस्टेड होगा उसको लेने के लिए। एग्जाम्स के दौरान स्टूडेंट्स जो है वो इंटरेस्टेड होंगे, मैंने आपको बताया कि इंस्टामोजो पे आप उसको लिंक कर सकते हैं, जहाँ पर आप उसे सेल भी कर सकते हैं। एग्जाम इन्विटेटर की जो जॉब बताई है मैंने आपको, बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो हायर कर रही हैं जो कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के पेपर लेती है, और आप यहाँ पर जो है आपको मॉनिटर करना होता है, इस तरीके की जॉब्स हैं, इंटर्नशिप्स हैं। सोशल मीडिया से रिलेटेड चाहे एडिटिंग करना हो वीडियोज़ की, या कस्टम जो है वो थंबनेल्स के, या फिर पिक आपकी जो है जितनी भी चैनल आर्ट होती है वो बनाने का, या फिर उसके लिए फाइल्स बनाने का, ऐसी बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती है जिसके अंदर आप जो है ईजिली किसी भी पर्टिकुलर जॉब को इनमें से क्रैक कर सकते हैं। लास्ट मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके कोशिश करिए, और मैं जानता हूँ कि कभी कभी हमें बड़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है इन सब चीज़ों को लेके, जब हमारे पास पर्टिकुलर जॉब ना हो, लेकिन आई होप कि आपकी इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प ज़रूर हुई होगी। और भूले मत, याद रखिए कि परिंदों को मिले ही मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिसके हुनर बोलते हैं। तो याद रखिए, अपना हौसला मत छोड़िए, क्योंकि मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। थैंक यू सो मच, वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, और
कमेंट करिएगा अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, आई विल मेक वन मोर इफ यू वांट। तो थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।